अरे भैया पेरिस आइगन का हो, अरे गजब, यू तो एकदम गजबे लागत है यार। फाइनली भाई आधे घंटे, अरे भाई आधा घंटा नहीं, तुमने देखो भैया हमें इनकी बिरादरी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है देखो पीछे से लग रहा है जरा कोई चीता उता है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 नहीं 10:30 बजे, 11 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, उसके बाद नहीं होगा। तो हम जा रहे हैं नीचे फटाफट उठ के ब्रेकफास्ट करने, वैसे बहुत लेट हो गया है, 10:30 बज चुके हैं, हम लोग सो ही रहे थे क्योंकि लेट हो जा रहा है सोने में। तो अब जा रहे हैं नाश्ता करने, और नाश्ता करने के बाद यहाँ से हमें दूसरा होटल में चेक इन भी करना है, और चेक इन करने के बाद काफ़ी जगह निकलना भी है। सबसे पहले जाके हम नाश्ता करते हैं बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड ले लेना भाई, कार्ड ठीक है, चलने भर की जगह नहीं है कमरे में। और आपको हम दिखाते हैं इधर से विंडो से बाहर का नज़ारा, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये यहाँ का क्लॉक टावर टाइप कुछ है। बाकी इधर का ये पुल बहुत ही अच्छा बना हुआ है, इधर का एरिया थोड़ा ज़्यादा डेवलप लगता है, नहीं है ये दूसरा होटल है, मेट्रो, ये मेट्रो तो ऊपर से गई है, ये तो पुल है ना इधर वाला, उस पुल के नीचे ही तो चिपोटले। सो गाइज नाश्ता हम लोग ने भर भर के ले लिया है बिकॉज आज का नाश्ता हमने ऐड कराया था अपने फूड में, तो ये नाश्ता सबसे सही रहता है फूड में इंक्लूड करा लो क्योंकि ढंग का मिल जाता है जो हम खा सकते हैं। ये क्या है, डोनट खाई हो भैया, डोनट से पेट भरी तुम्हारे, यू तो हमका फर्जी डिश लागा था कसम से, बताई थी एक नंबर का, यू पता नहीं काहे थे इंसान बनाई था, मीठे के लिए रसगुल्ला खाओ, यू डोनट कही है सो गाइस फाइनली हमारी जो बाइक्स हैं वो गोल्ड स्टार्ट हमने कर दी, और इस होटल से अब हम चेकआउट कर रहे हैं। लेमन ट्री काफ़ी अच्छा होटल है, इसकी कई सारी ब्रांचेस हैं, ये मैं पहली बार इसमें गुड़गांव में रुका था तो इसीलिए मुझे पता था कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा होटल है। ऋषि ने भी अपना लगेज बांध दिया है, बस एक लड़का रह गया लगेज बांधना, ये बांधे क्योंकि माउंट इसी की बाइक में है तो गूगल मैप यही लगा सकता है। यहाँ से 2.5 किलोमीटर के बाद हमारा एक दूसरा होटल है, हम वहाँ स्टे करेंगे, बैग वगैरह छोड़ेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे हम अपने सैमी भाई से मिलने, उनसे हमारी बात हुई है तो ये सारा सामान हम वहाँ शिफ्ट करने के बाद उनसे मिलेंगे। तो सबसे पहला टास्क तो हमारा यही है कि होटल चेक करें। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने दूसरे होटल की तरफ, वासरे ने लगा लिया है मैप, अब देखते हैं कि कहाँ ले जाता है, 2.5 किलोमीटर का रास्ता कितने 1000 किलोमीटर में कवर कराता है, क्योंकि इसको मैप लगा के अगर हम दे देते हैं तो ये हमें बहुत दूर ले जाता है भैया, गलियों गलियों में घुमाता है 6 किलोमीटर, ये देखो फिर रोका हमें ये। सो गाइस ये है हमारा होटल जोन बाय द पार्क, अब यहाँ पर हम स्टे ले रहे हैं, होटल ये भी तगड़ा है अपना। तो रास्ता किधर से भैया, ये रहा, चलो आ जाओ भैया, आज भी रौला काटते हैं। किधर से एंट्री है, इधर से एंट्री है, जोन बाय द पार्क, हाँ भैया। सो गाइस इस रूम में फाइनली हमने चेक इन कर लिया है, रूम आपको दिखा देते हैं, रूम काफी सही है एंड प्राइस भी ठीक ही था, कुछ चीजों की कमी जरूर है, यहाँ की बालकनी से ये दिखेगा सामने, मतलब कुछ नहीं दिखेगा ठीक है, ये पता नहीं कि कौन सी पेंटिंग है, कौन सी जमाने की, क्या समझाना चाह रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी बनाने का मग है, फ्रिज है, अलमीरा है, प्रेस वगैरह करने का सामान नहीं है, इधर आप बैठ के जूते वगैरह चेंज कर सकते हैं, एंड इधर बाथरूम है, तो ये सही है, ओवरऑल गुड नाइस। अब हम फटाफट चेंज करके यहाँ से निकलेंगे। सो गाइस फाइनली अब हम जा रहे हैं अपने सैमी भाई से मिलने, और गोप्रो की बैटरी यार रात में चार्ज करना भूल गए थे, बैटरी है कम तो रास्ते का ब्लॉग इतना हम करेंगे नहीं, वहीं पहुँच के सीधे ब्लॉग करेंगे। फिलहाल अपनी बाइक यहाँ, इन दोनों की बाइक नीचे है, तो ये लोग अपनी बाइक लेके आते हैं और मैं अपनी बाइक लेके निकलता हूँ। मिनी सुपर बाइक आ गए फाइनली भाई, आधे घंटे, अरे भाई आधा घंटा नहीं, तुमने बताया नहीं मेरे को, खाना खा रहे थे तो मेरे को फोन कर देना चाहिए था ना, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा था, सब वो निपटा लेते हैं बाद में देखेंगे। भाई हमारे पास एक्सप्रेस वे है, तुम एक बार 299 टच की हम जितनी बार चाहते हैं उतनी बार करते हैं, हां वो मालूम है भाई, वो तो होगा ही ना, कि रोड मैटर करता है वाटर ब्लॉगर्स के लिए, रोड्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो गाइस फाइनली सैमी भाई आ चुके हैं एंड हम निकल चुके हैं अपनी पुष्पा को लेके, और सैमी भाई आए हैं अपनी नई बाइक 25R से, सो इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक है ये, मतलब ये ऐसी बाइक है जो 250 cc में इनलाइन 4 आती है और इंडिया में नहीं आती, बाहर से इसको इंपोर्ट कराना पड़ता है। सो अभी जाएंगे इस पर थोड़ा सा शूट करेंगे, ओम फो भैया कान फाड़ साउंड है एकदम,
इतना तगड़ा साउंड, बाप रे बाप। भाई टेनार्स का साउंड तो मुझे लग रहा है इसके सामने कुछ है ही नहीं। सो गाइस हम लोग आए थे शादी करने नहीं, शादी में आए थे यहाँ पे, मतलब बंगाल आके हम लोग शादियाँ अटेंड कर रहे हैं और एक से एक मजेदार शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर। इनका समझो, कह रहा है शुरुआत तो मुझसे होती है। बस कट 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 कट। ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। अरे अब हम लोग जा रहे हैं घर, बहुत टाइम हो गया भाई। आज हमारा एक और अगला दिन है कोलकाता में और आगे की प्लानिंग जो है वो हमने कंप्लीट कर ली है फाइनली कि आगे हम क्या करने वाले हैं। सो गाइज आप लोगों के लिए दो सरप्राइज होने वाले हैं। पहले तो अपनी पुष्पा जो है वो नए अवतार में आपके सामने आने वाली है। तो हम जा रहे हैं सिलीगुड़ी, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अपन सिलीगुड़ी जाएंगे, तो यहाँ से हमने आज सारी चीजें डिसाइड कर ली है कि हम सिलीगुड़ी जाएंगे और किसके साथ जाएंगे। जो दुर्गापुर में 97 ऑक्टेन ग्रुप के मेन लीडर हैं विशाल भाई साहब, उन्होंने सारी प्लानिंग मतलब उसके आगे की करी है दार्जिलिंग की। तो हमने कहा चलो यार दार्जिलिंग ज्वाइन करते हैं, बिकॉज लास्ट टाइम हम जब गए थे तो दार्जिलिंग के साइड से होते निकल आए थे, सिक्किम घूम लिए थे थोड़ा बहुत, बस दार्जिलिंग नहीं जा पाए थे। तो हमने कहा चलो दार्जिलिंग भी निपटा लेंगे। और दार्जिलिंग में जब तक टाइम लगेगा, दार्जिलिंग का प्लान ही इसीलिए बनाया क्योंकि हमारी बाइक को रैप होने में थोड़ा चेंज होने में 2 दिन का टाइम लग रहा था। तो हमने कहा सिलीगुड़ी में 2 दिन हम क्या करेंगे। विशाल भाई ने हमें ऑप्शन दिया कि भैया दार्जिलिंग चलिए, मजा काट के आते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, फिलहाल ये जो होटल है इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज्यादा, तो हम यहाँ से जो है वो दूसरे होटल में जा रहे हैं। पहली दिक्कत यह है कि बाइक पार्किंग में एक ब्रेकर है, और वो मैं ब्रेकर से पहले लगाने के लिए कहता हूँ तो थोड़ा वो लोग ऐसा वैसा करते हैं, और ब्रेकर के ऊपर चढ़ाता हूँ तो दिल पे तकलीफ होती बिकॉज नीचे से टच होता है। तो इसीलिए हमने कहा चलो यहाँ से चेकआउट करके दूसरे रूम में चलते हैं, और यहाँ इतना महंगा फर्जी ऐसे पूरा दिन तो हमें रहना नहीं रहता है। कल हमने चेक इन किया, उसके बाद निकल गए रात में सीधे 2 बजे आए, तो ऐसे ऐसे सीन हो रहे हैं। तो यहाँ रुक के मतलब क्या ही करेंगे। उसके बाद वाईफाई है, मुझे सबसे बेकार चीज जानते हो इन होटल में क्या लग रही है, इतने घटिया होटल है साले, ऐसा कहीं नहीं हुआ। यहाँ वाईफाई का सिस्टम समझो, इससे पहले लेमन ट्री में रुका था उसमें भी यही सीन था, अब यहाँ रुका हूँ उसमें भी यही सीन था। मतलब होटल इतना तगड़ा 5 स्टार टाइप की 3 स्टार टाइप का होटल, ऊपर से वाईफाई नॉर्मल वाईफाई चलेगा अलग, अगर आपको हाई स्पीड वाईफाई चाहिए भैया तो 499 प्लस GST का इनसे अलग पैक लो। ये क्या ऐसा किसी होटल, मतलब तुम लोग आज तक किसी ऐसे होटल में रुके हो जहाँ ये सब होता हो? है नहीं, तुम तो रुके ही नहीं होगे, तुम रुके हो, मतलब हद है यार। वाईफाई तो दो कम से कम, इतना इतना पैसा हम तुम्हें किस लिए दे रहे हैं भाई, इतना महंगा होटल क्यों ले रहे हैं कि 499 का वाईफाई तक अलग से ले हम। वीडियो अपलोड करने में इसीलिए दिक्कत हो रही है, फर्जी पता नहीं क्या कर रहे हो। बाकी यहाँ हमारी विंडो से नजारा ये है कुछ, बाहर का देखो एकदम बढ़िया सा, कूद के जाओ क्या उधर वीडियो बनाने। तो इससे इसको खोल भी देंगे तो ये जाली लगा रखी इन्होंने, इससे क्या ही हो जाएगा यार, कूद के जाना पड़ेगा हमें वहां तक, तो हम नहीं जाते हैं ज्यादा। ठीक है फिलहाल हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं, बिकॉज टाइम जो है 12:14 हो चुका है और 12 बजे चेकआउट टाइम था। मैंने सारा काम डन कर लिया है फाइनली, डाटा वगैरह मेरा पेस्ट हो चुका है, बैग पैक करने बाकी है, बैग पैक करके यहाँ से निकलते हैं। और अब हमें सैमी भाई ने एक और रूम दिला दिया है, तो हमने जब बात करी उनसे उन्होंने कहा फटाफट आ जाइए वहां चलते हैं फिर। सो गाइस अभी हमने बाइक को कोल्ड स्टार्ट कर दिया है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। 12:01 हो रहे हैं, मतलब 12:01 हो गया, 1 मिनट नहीं 1 बज गया यार। अब हमें यहाँ दूसरे होटल में जाना है और कल से हमारे सारे प्लान बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। कल हम यहाँ से निकलेंगे दुर्गापुर के लिए। रास्ते में S2 आ रही है, S2 आ रही है गाइस, S2 आ रही है, समझ रहे हो, जिस चीज के लिए हम इंतजार कर रहे थे फाइनली वो दिन आ चुका है कि S2 आ रही है। तो आपको मैं कल दिखाऊंगा कि भैया S2 आ रही है, सिर्फ आ नहीं रही है, अपने वीडियो में आ रही है, अपने घर में आ रही है, कहाँ आ रही है सब बताऊंगा। फिलहाल होटल ले लेते हैं यार दूसरा और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इस होटल में ना मन था नहीं लगा हमारा। अरे भैया ये ब्रेकर, निकल गई। हाँ गाड़ी बहुत गंदी हो चुकी है यार, गाड़ी धुलवानी पड़ेगी, गाड़ी देखते हैं कहाँ धुलवाना है। सो गाइस इस टाइम हम हैं न्यू टाउन में, और ये जो इलाका है कोलकाता का वो सबसे ज़्यादा डेवलप इलाका है ऐसा मेरे को लगता है। मतलब नई नई सारी बिल्डिंगें, अच्छे अच्छे सारे होटल इसी इलाके में, तो जैसे कि लखनऊ में गोमती नगर है वैसे ही ये कोलकाता का ये न्यू टाउन है। और यहाँ काफ़ी सही है यार, होटल्स भी बड़े मिल जाते हैं, सामने देखो वेस्टिन है, इधर
थ्रोटल शॉटल भी है, और लास्ट टाइम XBHP के साथ जब हम रुके थे तब वो होटल भी इस एरिया में था, साथ ही साथ एयरपोर्ट भी इसी के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, और रोडें भी यहाँ की एकदम चौकस बनी हुई हैं, थोड़ा स्पेशियस रोड हैं, लेकिन शहर के अंदर आप घुसोगे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक वाली रोडें मिलेंगी, ऊपर से ऊबड़ खाबड़ वाली रोडें मिलेंगी आपको, प्रॉपर रोड नहीं मिलेगी कहने का मतलब है, बट यहाँ आपको बिल्कुल प्रॉपर रोड मिल जाती हैं, और एक से एक न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू स्टाइल टाइप बिल्डिंग्स हैं इधर। तो ये सब देखने के बाद अपन को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा डेवलप एरिया है ये न्यू टाउन। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं थ्रोटल शॉटल, और यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे फिर जाएंगे होटल, बिकॉज ऋषि डायरेक्टली यहीं आ गया था, सो हम भी यहीं आ गए। और यहाँ हमने देखा एक, ये देख रहे हो, दो दिन से हम रात में आए थे तो ये सो रहा था, लेकिन आज जग रहा है भाई, चीर फाड़ देगा ऐसा लग रहा है, एकदम धुआंधार तरीके से देख रहा है। देखो भैया हमें इनकी बिरादरी का नाम तो नहीं पता है, लेकिन जो भी है देखो पीछे से लग रहा है जरा कोई चीता उता है, लेकिन है ये डॉगी। तो हमारे मोहल्ले में जो डॉगी घूमते हम प्यार से खेलते हैं, उनके पास हमारी हिम्मत तो ना हो कि इनके पास जाके खेलें। और एक ये बैठा है, अरे अरे भैया रस्सी भागो भाई। हेलो। अरे भाई तुम्हारा हाथ वाता ले जाए। नहीं नहीं इतना भाई, एक वो देखो उधर बैठा है, डरने की बात है, उससे मुंह की नहीं करने वाला है, वो एकदम सन्नाटे में बैठा है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कब कोई आए कब हम नोचे। और ये रहे बल्लू हमारे, बल्लू कोने में बल्लू बैठा था, बल्लू को कैद कर लिया गया। सो गाइस बड़े टाइम से सैमी भाई का इंतजार कर रहे थे, फाइनली सैमी भाई आ गए, उनकी गाड़ी बहुत दूर से सुनाई दे रही थी, मतलब हमें इतना टाइम मिल गया कि मैंने जूते पहने जैकेट पहना और ये अब आए, ये देखो फाइनली देखो देखो वो आ गया, आ गया, सैमी भाई का भोकाल है भैया इधर, तो सामने चल रहे सैमी भाई और अपन चल रहे हैं पीछे। तो फाइनली टोक्यो जो है वो पुष्पा से मिली गई, आखिर पुष्पा कौन है जो 299 तुरंत हिट कर देती है, वो बताएगी आज टोक्यो को। SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है और बहुत ही तगड़ा साउंड कर रहा है, चिल्ला रहा है, हमने तो गला दबा रखा है अपने टीवी गलर लगा के, लेकिन मजा आ रहा है भाई जो बात है। फाइनली पहली राइड है जो हम सैमी भाई के साथ कर रहे हैं कोलकाता में, वो भी टेनार एंड टेनार की, इको गार्डन इको पार्क कुछ भी है यहाँ पे, वहीं जा रहे हैं हम लोग। ये लोग डरता बहुत है सुपर बाइक से, तो हमें तो यहाँ ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है ना, हमने रिसर्च करी, हम सिर्फ आए थे कोलकाता अपने भाई लोगों से मिलने, और हम मिलके बहुत ज़्यादा खुश हो लिए, तो हमने घूमने का ज़्यादा सोचा ही नहीं कि हमें घूमना है कोलकाता। तो सैमी भाई ने कहा चलो इको पार्क घुमाते हैं, तो हमने कहा चलो यार घूमते हैं आज। अरे उल्लू बैठा है भैया, उल्लू जैसे भैया चौराहे से निकलो और पीछे वाले हेलमेट नहीं पहने ना तो तुरंत चालान हो जाते, सटाक से सटासट चालान काटा था भैया। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं इको पार्क में, और कई दिन से इसका नाम सुन रहे थे, लेकिन आज फाइनली इसके अंदर आ गए, और अब देखेंगे कि इसके अंदर है क्या, क्यों भाई इको फेमस है यहाँ का। भीड़ तो बहुत ज्यादा दिख रही है, क्राउड है काफी ज्यादा, पुलिस वाले भी खूब है, बट वाई थोड़ा मेले टाइप का लग रहा है, थोड़ा फील आ रहा है, मतलब शिल्पग्राम टाइप का, कि पुरानी चीज़ों की मार्केटिंग हो रही है। या और क्या क्या है यहाँ, अरे बुद्ध जी हैं यहाँ, कुछ बढ़िया है, कोई बढ़िया लोकेशन है अंदर। अरे भैया पेरिस आइगन का हो, अरे गजब, यू तो एकदम गजबे लागत है यार, पहले कहे नहीं आए नहीं, यू तो जानपद एफिल टावर। ओ भाई तो फाइनली गाइज हमने यहाँ कुछ खाने के लिए पैक कराया है, और अब हम निकल रहे हैं रूम पे, सैमी भाई अपने साथ जा रहे हैं, और सैमी भाई की टोक्यो को अपन चला रहे लाए आज, इसका थोड़ा सा फील लेंगे, हमने कहा चलो एक बार टोक्यो का भी फील लिया जाए। बाइक भले ही सेम है, लेकिन ये पता नहीं क्यों थोड़ी सी लाइट फील हो रही है मुझे, पावर तो सेम लग रही है बट लाइट फील हो रही है, और इसमें SC प्रोजेक्ट लगा हुआ है, भाई ने खुद ही सेट कर लिया SC प्रोजेक्ट इसमें, आज तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया, बिल्कुल मजा आ गया यार। अब कोलकाता से कल हमें निकलना है, इस चीज का हमें दुख रहेगा यार, मजा कर रहे थे हम बहुत, बहुत दिनों बाद हमने ट्रैवलिंग शुरू करी एकदम फार तरीके से, सोच तो वैसे हम बहुत दिन से रहे थे कि ट्रैवलिंग करें ट्रैवलिंग करें ट्रैवलिंग करें, लेकिन नहीं हो पा रहा था यार,
और हमने फाइनली कहा यार अब निकल ही लो, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और तहलका मचाएंगे।